नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21G versus Infinix Smart 6 Plus का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y21G में 6.46 इंच जबकि Smart 6 Plus में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y21G में 2.99 इंच जबकि Smart 6 Plus में 3.06 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y21G में 0.31 इंच जबकि Smart 6 Plus में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Y21G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y21G में 182 ग्राम्स जबकि Smart 6 Plus में 202 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि Y21G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Y21G में 20:9 जबकि Smart 6 Plus में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y21G में 6.51 इंचेस जबकि Smart 6 Plus में 6.82 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y21G में 81.99% जबकि Smart 6 Plus में 83.73% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y21G में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Smart 6 Plus में 257 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y21G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Smart 6 Plus की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y21G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Smart 6 Plus की बात करें तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y21G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Smart 6 Plus में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y21G में Mali G52 MC2 जबकि Smart 6 Plus में Powerwall GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y21G में MediaTek Helio G70 और Smart 6 Plus में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो Y21G में 4GB जबकि Smart 6 Plus में 3GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y21G में अप टू 1TB जबकि Smart 6 Plus में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y21G में 2 कलर्स जबकि Smart 6 Plus में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y21G 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Smart 6 Plus की तो वो 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 7,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y21G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Infinix Smart 6 Plus की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Y21G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Y21G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix 08i है, दूसरा Realme 9 Pro 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M32 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।